ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਖੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਤਰੋ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੋਕੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੰਗ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬਹਾਲੇ ਆ। वो हमने जैसे ही हमने लोगों के पास गए और लोगों जैसे बदलाव यात्रा लेकर चले गए, तो लोगों के जो रिएक्शन थे बहुत अच्छे थे। और हम लोगों को एक चीज़ बताई, जैसे कि हमने देखो देखा है दिल्ली के बाद केजरीवाल साहब जी ने पंजाब को बदला है, और इस बार हमें हिमाचल को भी बदलना है। हिमाचल एक देश के अग्रणी राज्यों में है, इसे हम सर्वोत्तम अग्रणी राज्यों में बनाना है। बताना चाहता हूँ कि जो हमारी समस्या है वो आज भी उसी की तरह वैसी की वैसी पड़ी है। जलंग में नमक की बहुत सी खाने हैं, बहुत सा नमक होता है लेकिन उसका दोहन नहीं हो रहा है। ये समस्या कई सालों में पड़ी है। बताना चाहता हूँ कि जो बदलाव यात्रा, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ और जो अच्छी एक विचार हमारे प्रदेश और क्षेत्र के लिए हो सकता है, वो बदलाव यात्रा में दिख रहा है। लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई, और ऊपर से महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सरकारां जरूर बदलदियां रहियां पर इस सिस्टम नूं बदलण दा ध्यान किसे नहीं दित्ता। अज मेरे वीर जी 3 महीने के उपर सरकार बनी, मान साहब की हो गई है पंजाब दे विच, ते मेरिया भी गड्डिया लगभग जा रही है। मेरे ड्राइवर ने कदे मैनू कापी दे विच ना 10 रुपए का पंजाब का खर्चा नहीं लिखिया। जे तुहाडी किसी कापी जो ड्राइवर ने लिखिया जां लगे है तो मैं कहता सानू दसो कित्थे लगी है, असीं पुछिए कि साडे हक हलाल की कमाई। और जो हमारी पार्टी ने बदलाव यात्रा निकाली है, इस यात्रा से बहुत अधिक बूम आ रहा है, यानी लोगों में जागरूकता उठ रही है और लोग जो हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे वहां तक ये यात्रा से हम लोगों के दिलों तक और लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। और इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हर गांव से, हर पंचायत से और हर जो वार्ड है वहाँ से हमारे को अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता मिलेंगे।